बीजेपी सांसद वरुण गांधी हनी ट्रैप के आरोपों में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं और अब खबर ये है कि उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी आला कमान ने पार्टी प्रवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना बोले। वहीं खुद पर लगे संगीन आरोपों पर वरुण गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और अगर आरोप 1% भी सही साबित हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल प्रशांत भूषण ने कल इस बात का खुलासा किया था कि आर्म स्टीलर अभिषेक वर्मा के पूर्व सहयोगी एडमंड एलन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पत्र लिखे हैं। एक खत 25 अगस्त का है और दूसरा 16 सितंबर का। एलन ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि संसद की डिफेंस कमेटी का सदस्य रहते हुए वरुण गांधी आर्म स्टीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में फंसे थे। विदेशी लड़कियों और एस्कॉर्ट्स के जरिए वरुण को हनी ट्रैप में फंसाकर कुछ जानकारी लीक कराई गई। अभिषेक और वरुण साल 2000 से एक दूसरे को जानते हैं। पीएमओ को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि वरुण अभिषेक की पार्टियों में जाते थे जहां अभिषेक वर्मा ने विदेशी एस्कॉर्ट भी मुहैया कराई और तस्वीरें भी खींची। इन तस्वीरों के बहाने डिफेंस कमेटी के कामकाज की जानकारी हासिल की गई। 2008 में अभिषेक के जेल से छूटने के बाद भी वरुण गांधी 2012 तक अभिषेक वर्मा के फार्म हाउस पर जाते रहे जहां डिफेंस कंपनियों के अधिकारियों के अलावा विदेशी एस्कॉर्ट्स भी मौजूद रहती थी। खास बात यह है कि 2012 में अलग होने से पहले अभिषेक वर्मा और सी एडमंड एलन व्यापारिक साझेदार थे। जनवरी 2012 में यह साझेदारी खत्म हो गई थी। उस वक्त दोनों ने ही एक दूसरे पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। वहीं अब इन आरोपों पर वरुण गांधी ने सफाई देते हुए कहा है कि मैं अभिषेक वर्मा को जानता हूं। उनके पेरेंट्स कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, मैं तब यंग था। अभिषेक की शादी में भी मैं शामिल हुआ था, लेकिन जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं अभिषेक वर्मा के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। साथ ही वरुण ने प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि केस दर्ज करने की बात भी कही है। वरुण गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते के गंभीर आरोप लगे हैं। एलन की चिट्ठी के बाद अब वरुण विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार अगला कदम क्या उठाती है ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।